हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नाइस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजीत कुमार। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा दोस्तों इस मोबाइल को रिमोट कैसे बनाओगे बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारियाँ मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको इस मोबाइल को दिखा देता हूँ। देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी सेंसर नहीं है इस मोबाइल फोन में। दोस्तों, ये Realme 3i है। आप लोग इसको नेट पे सर्च करके देख लेना, इसमें IR सेंसर नहीं दिया हुआ है। दोस्तों, आज मैं इस मोबाइल को हम रिमोट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये दोस्तों, ये जो LED बल्ब, इसको हम मैंने IR रिमोट बनाया हुआ है। देख सकते हैं ये जैक, दोस्तों ये 4 पिन वाला जैक है। इसको कैसे बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप वहां से जाकर इसको बना लेंगे। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपको केवल ये 4 पिन वाला जैक चाहिए, ऑडियो जैक, और एक ये रिमोट का IR बल्ब। और दोस्तों, आपको कौन सा एप्लीकेशन यूज करना है इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मेरा ये खुल गया है लॉक, और आपको ये एप्लीकेशन दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है DVB। ये रिमोट दोस्तों, ये सेटअप बॉक्स के लिए यूज कर रहा हूँ मैं। आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसको हम ओपन करते हैं आपको, और दिखाते हैं इस मोबाइल को रिमोट बनाकर बिल्कुल आसान तरीके से। कोई भी रिमोट आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे सभी फंक्शन दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे DD3D का चूज करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है DD3D का रिमोट, यहाँ पे चूज करेंगे। जो भी आप इसको भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, इसको भी जो मन करे वो। तो हम ये वाला चूज कर रहे हैं, तो आपको इस पर प्रेस कर देना है। दोस्तों, ये दिखा रहा है नेट चालू करने के लिए, तो हम यहाँ से नेट चालू कर देंगे। एक बार फिर बैक आ जाना है। देख सकते हैं थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और यहाँ पे DD3D को ओके करना है, और आपको जो भी पसंद आए रिमोट उसको यूज कर लेना है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हम ये वाला रिमोट यूज करेंगे। तो इस पर टैप करेंगे, थोड़ा सा डाउनलोडिंग होगा। देख सकते हैं ये डाउनलोड हो गया। और सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो छोड़कर मत जाइए, अभी थोड़ा और कुछ इसमें दिखाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टैप करेंगे और सबसे नीचे की तरफ आना है। देख सकते हैं यहाँ आपका एक्सटर्नल IR बंद होगा, तो इसको यहाँ ऐसे बंद रहेगा, तो आपको इसको ऑन कर देना है। देख सकते हैं ये ऑन नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं ऑन हो रहा है जानते हैं, ये वाला जो जब तक इसमें आप इसको नहीं लगाएंगे, देख सकते हैं लग गया, तब तक ये ऑन नहीं होगा। अब देखिए ऑफ ऑन हो गया है। अब चलिए इसको टेस्ट करके दिखाते हैं अपने DD3D पे, सेटअप बॉक्स पे। देख सकते हैं यहाँ पे, चलिए अब सेटअप बॉक्स की ओर चलते हैं, वहाँ पे आपको इसको दिखाते हैं लगाकर। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये चालू हो गया है, और ये मेरा रिमोट है दोस्तों। देख सकते हैं ये वाला जो कि मैंने अभी अभी दिखाया है। अब आपको दिखाते हैं चैनल बदलकर। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये दोस्तों 1 मीटर से ये रिमोट काम करता है। और थोड़ा साउंड बढ़ाकर दिखाते हैं फ्रेंड्स। देख सकते हैं यहाँ पे साउंड दिखाई दे रहा है, कम भी हो रहा है, और मेरा यहाँ पे रिमोट धरा हुआ है। थोड़ा ऐड आता है इस पर, तो ऐड को आप यहाँ से कट कर सकते हैं। देख सकते हैं और भी चैनल बदल कर दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ आप लोग, यहाँ पे
बहुत ही आसानी से आप लोग इसको रिमोट बना सकते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सकें।